गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्वरी ने कहा है कि कराची गेम्स मुस्तकबिल में सिंध गेम्स बनेंगे और पूरे सिंध में इसी तरह खेलों की सरगर्मियां होंगी। 2008 के बाद कराची गेम्स नहीं हुए थे। कराची में PSL के मौके पर बुजदलाना कार्रवाई की गई। इसी वक्त तय कर लिया था कि कराची में बड़े पैमाने पर खेलों के मुकाबले मुनक़िद कराए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुररहमान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके पुरअमन माहौल में कराची गेम्स मुनक़िद कराए। कराची गेम्स में डोंकी डर्बी रेस जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। देश के तमाम शुरका ने मेहनत की है। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन, तर्जमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुररहमान, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन और दिगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध सूफिया कराम की धरती है। यहाँ प्यार, मोहब्बत और अकूत की बात होती है। मौजूदा हालात में इस बात की सख्त जरूरत है कि मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे का माहौल पैदा किया जाए। हमारे खेलों की सेहतमंद रिवायत जारी रहेगी। हर साल कराची गेम्स का इनेकाद किया जाए ताकि कराची के शहरियों को खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिले। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुररहमान ने डोंकी डर्बी रेस के इख्तितामी तकरीब में शिरकत पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खसूसी वजीर आला सिंध ने विनिंग ट्रॉफी पहले नंबर पर आने वाले रेसर तारिक को दी। डोंकी डर्बी रेस जीतने वाले रेसर तारिक ने मुकर्रा 7 किलोमीटर का फासला 12 मिनट 3 सेकंड में तय किया। इस मुकाबले में 30 रेसर्स ने हिस्सा लिया। उमदा में पकाएं और जी भर के खाएं।